फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और बहुत ही आज इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो बोल रहे कि वैकेंसी आने वाली नहीं है, मैं उन लोगों को कुछ अभी बताने वाला हूँ। ये रियल फैक्ट है और सारे डिवीज़न में अभी अप्लाई किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो भी एलपी है वो अभी सीनियर एलपी में प्रमोशन दिया जा रहा है हर डिवीज़न में। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे जो लोअर है एलपी वो सीनियर एलपी बन रहे, तो सीट खाली हो रही है सब जगह। तो वैकेंसी आने का तो चांसेस 100% है। तो एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ 2023 में एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और अगर बाकी कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आज का टॉपिक मेनली आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा अभी, कि आपको रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और किस में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अभी आप लोगों को बताने वाला इस वीडियो में। तो जो भी एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को आज मिलेगा। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो अगर अभी आपको पता चल जाएगा तो उस टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा और आपका प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगा। तो अभी रीजनिंग में मैं अभी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था 2018 में। तो देखिए, सबसे पहले एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म और वेन डायग्राम्स है। ये इसमें नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप सबसे पहले क्या करिए कि ये सब टॉपिक को पहले अच्छा से ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये सब टॉपिक आपका कवर हो जाएगा तो आपको जो इम्पोर्टेंट अभी मैं बताने वाला हूँ वो टॉपिक आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। और उसी से जनरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 2018 वाली वैकेंसी में। और आपको जो टॉपिक मैं अभी बताया हूँ वो सारे पहले कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप इम्पोर्टेंट जो अभी मैं टॉपिक बताने वाला हूँ इसमें ज़्यादा फोकस करिएगा। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशेंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। और डाटा इंटरप्रिटेशन और सफिशेंसी भी आपको अच्छा से एकदम तैयारी करना है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत सारे। और डायरेक्शन और स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहले जो मैं बताया ऊपर वाले कर लीजिए, जो भी फर्स्ट मैंने बताया टॉपिक उसका इसको करिए। और आपका देखिएगा इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप कोशिश करिएगा कि ये रीजनिंग का जो भी मैं बताया हूँ इसको अपने अकॉर्डिंग मतलब प्लान करके आप अपना प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी मैं आपको बताया हूँ। इसी से क्वेश्चन कम से कम 70% देखा गया था जो मैं सेकेंड वाले में बताया हूँ। तो आप अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करिए और नेगेटिव बिल्कुल नेगेटिविटी मत लाइए अपने दिमाग में। आपका एक ही टारगेट है और एम होना चाहिए कि टारगेट एलपी और टेक्नीशियन आपको इस बार वैकेंसी में सीट लेना है। और वैकेंसी तो देखने को ही मिलेंगे। और ये मेरा एक मोटिवेशन वीडियो, मैं आपको मतलब इसलिए मैं डेली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी कुछ आने वाला नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर वैकेंसी आ गया तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और तैयारी बहुत ही हाई लेवल पे हो रहा है, अभी सब तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका चांसेस कितना है, आप देख सकते हैं खुद ही। तो आप कोशिश करें कि आपका जो टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे हैं, जो मैं उस दिन टाइम टेबल दिया था वो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाए कि नहीं, आप कमेंट जरूर करिएगा। और आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ लगाने से वो ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको उस पर ज़्यादा मतलब डिस्कस कर सकूं कि आपका कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।